ओबीसी वर्ग द्वारा अपनी मांगों को लेकर लगातार राज्य सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है। वहीं ओबीसी सेवा संघ ने भीख मांगो आंदोलन कर शासन का ध्यान केंद्रित किया। इस आंदोलन के संदर्भ में आंदोलनकारियों ने क्या तर्क दिया, सुनते हैं इस खबर में। ओबीसी विजय एनटी एसबीसी विद्यार्थियों के लिए 72 ओबीसी वसित डिग्री आधार योजना विदेश शिष्यवृत्ति, इन मांगों के लिए 21 सितंबर को गांधी चौक में ओबीसी सेवा संघ चंद्रपुर की ओर से भीख मांगो सत्याग्रह किया गया। इस मौके पर ओबीसी सेवा संघ के जिलाध्यक्ष प्राध्यापक अनिल डहाके, जिला महासचिव एडवोकेट विलास माथनकर, भाविक येरगुड़े, प्रलय मशाखेत्री, अक्षय येरगुड़े, गोमती पाजभाई भूषण भूसे आदि मौजूद थे। तो सुनिए इस आंदोलन के संदर्भ में ओबीसी सेवा संघ के जिलाध्यक्ष प्राध्यापक अनिल डाके ने क्या कहा। जय ओबीसी, जय संविधान। 72 ओबीसी वसतिगृह सुरू झाले पाहिजे यासाठी आमचं हे आंदोलन आहे। या सरकारने ओबीसीचे 72 वसतिगृह आणि स्वाधार योजना सुरू करू अशा प्रकारचं आश्वासन दिलं, परंतु अजूनही 72 ओबीसी वसतिगृह आणि स्वाधार योजना परदेश शिष्यवृत्ती या ओबीसी विद्यार्थ्यांना दिलेली नाही आणि त्यामुळे सरकारकडे ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या योजनेसाठी पैसे नाही, गरिबी लागलेली आहे। आणि म्हणून आज चंद्रपूर येथील गांधी चौकामधून आम्ही या बाजारामध्ये आज लोकांकडून पैसा गोळा केलेला या भीक मागो सत्याग्रहाच्या माध्यमातून आणि आम्ही हा पैसा सरकारला पाठवणार आहे। सरकारला आमचं आव्हान आहे की आमच्या या न्याय मागण्या लवकर मान्य करा, अन्यथा आम्ही तीव्र आंदोलन करणार आहोत। वेळ पडली तर आम्ही सरकारला सरकारची अंत्ययात्रासुद्धा काढणार आहोत आणि या सी टीवी के लिए हमारे प्रतिनिधि वैभव व्यारकर की रिपोर्ट।